आज हम बनाने वाले होममेड मावे के पेड़े, तो चलिए देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर किचन कोकनी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ज़ैनब कोनकरी, स्वागत है आपका हमारे किचन में। मोटे तले वाला कोई भी हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने 1 लीटर मिल्क ऐड किया है। ये फुल क्रीम मिल्क है, आप चाहे तो काउ मिल्क भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 लीटर मिल्क हमने ऐड कर लिया है। हमें शुरू से आखिर तक फ्लेम लो ही रखनी है, बस बेसिकली हमें इसे कड़ाते जाना है। जैसे जैसे साइडों पर उसकी मलाई लगती जाएगी, उसे हम स्क्रेप करते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो बस हमें इसे कड़ाते जाना है, इतना कड़ाना है कि ये रिड्यूस होकर 1/3 रह जाए। कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है और फ्लेम याद रहे, हमारी फ्लेम लो ही होगी। देखिए इस तरह से स्लो स्लो मिल्क थोड़ा सा थिक होते जाएगा। लगभग हमें आधे से पौना घंटा इसके लिए लग जाएगा। तो ये बहुत ही पेशेंस का काम है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी हाफ हो चुकी है, लेकिन इसे हमें और कड़ाना है, इतना कि सिर्फ 1/3 इसमें बच जाए, इतना कड़ाना है हमें। तो ये हाफ होने के लिए हमें हाफ आवर यानी आधा घंटा लग चुका है। अब इसे हम मज़ीद और कड़ाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो मिल्क है वो थोड़ा थिकर साइड पे होने लग गया है, थिक होने लगा है। ये अब 1/3 बच चुका है, देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है हमारा मिल्क। आप जल्दबाजी में गलती से भी इसका फ्लेम हाई ना करें, वरना जितना आपने मेहनत किया वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें हमने सिर्फ 1/4 स्पून लेमन ऐड किया, लेमन का जूस आप इसी वक्त इसमें ऐड करें, ताकि इसमें कुछ दाने बन जाते हैं जो बहुत ही मज़ेदार लगता है पेड़े में खाते वक्त। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हम इसे और 10 मिनट पका लेंगे। देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। और लेमन जूस ऐड करने से ये होता है कि इसमें जो मिल्क फट जाता है, जिसकी वजह से जो दाने बनते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के लिए। तो ये मावा अब एक जगह जमा होना स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त हम इसमें ऐड कर लेंगे शुगर। हमने 2 बड़े चम्मच शुगर ऐड किया है, 1 स्कूप। अब हम इसे चलाते जाएंगे और इसमें अब हमने आखिर में ऐड किया है बहुत ही थोड़ा, या 1/2 टीस्पून से भी कम। अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसमें हमने घी ऐड कर लिया है, घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने और थोड़ा ऐड कर लिया है, हाँ तो टोटल 1/2 टीस्पून इसमें घी जाएगा। घी से मज़ीद एक्स्ट्रा फैट देने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं इलायची पाउडर 1 पिंच। ये मीठा मावा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में 15 मिनट रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं, हमें इसे फ्रिज में रखना है। तो देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद इसका कलर और थोड़ा डार्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं येलो फूड कलर, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। आप चाहे तो केसर वाला दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये केसर वाले पेड़े बन जाएंगे। बहुत ही हल्का सा हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। इसका एक डोसा फॉर्म हो चुका है, कलर भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही थोड़ा सा 1/2 टीस्पून या फिर 1 टीस्पून जितना बैटर हम मटेरियल हम हाथ में ले लेंगे और इसे इस तरह से राउंड कर फ्लैट कर लेंगे, हल्का सा प्रेस करके। देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेते हैं। ये रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे
अब हम इसे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो अब मैंने कुछ पेड़े ले लिए हैं जिसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ही। तो इसी तरह से हम सारे पेड़ों पर ये चांदी का वर्क लगा लेंगे। देख सकते हैं इसकी ब्यूटी कितनी बढ़ चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नाइफ की मदद से इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन बना लेंगे जिससे दिखने में और अट्रैक्टिव बन जाए। तो ये रेडी हो चुके हैं। हम आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें शो कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब हमने इसमें कुछ पेड़ों को रोज़ पेटल से सजाया है चांदी के वर्क और रोज़ पेटल से। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारे पेड़ रेडी हो चुके हैं। आप किसी भी खुशी के मौके में इसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।